सभी को, हम सभी सनातन धर्म के अनुयायियों को एवं वैष्णव धर्म का पालन करने वाले सभी भक्तों को उत्साह देने के लिए एवं प्रभुपाद श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी का आशीर्वाद लेने के लिए हमारे यशस्वी तपस्वी धैर्य के भंडार सहनशीलता की पराकाष्ठा को प्राप्त हम सभी सनातन धर्मियों का पूरे विश्व में मान बढ़ाने वाले देशवासियों के चहेते होने के साथ साथ विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता हमारे पवित्र भारत देश के माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी पधार चुके हैं। कृपया सभी लोग अपने अपने स्थानों पर बैठ जाएं, अपने अपना स्थान ग्रहण करें। अभी हमारे चैतन्य महाप्रभु जी ने जो हरिनाम संकीर्तन की धारा चलाई, हमारे चैतन्य महाप्रभु जी ने जो पूरे विश्व को परम कल्याणकारी हरिनाम संकीर्तन और साथ में नृत्य संकीर्तन प्रदान किया, जिसमें विशेष रूप से पश्चिम बंगाल का बेड़ा कीर्तन है, हमारे जो गौड़ीय भक्त सामने खड़े हैं उनसे प्रार्थना करूंगा कि वे बेड़ा कीर्तन प्रारंभ करें। विशेष करके उनका नेतृत्व करेंगे स्वामी मधुसूदन महाराज जी। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर जी के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए एवं माननीय सुहृद जन सर्व सुख हितार्थाय जिन्होंने अपना जीवन समर्पित किया है, ऐसे श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का अभिनंदन करते हुए गौड़ीय मिशन ये प्रस्तुति आपके सामने रखता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ताली बजाने चाहिए श्रीमान प्रधानमंत्री जी ताली के साथ संकीर्तन कर रहे हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम
हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे महाप्रभु जी के इस धरातल पर प्रकट होने से पहले इस संसार में स्मरण था, जप था, किंतु संकीर्तन ये चैतन्य महाप्रभु की देन है। ये नृत्य संकीर्तन, ये आनंद संकीर्तन चैतन्य महाप्रभु जी देन है। और ये इसकी छोटी सी प्रस्तुति हमारे गौड़ीय भक्तों ने की। अभी 22 जनवरी को अयोध्या में भव्य मंदिर, दिव्य मंदिर, वहां पर रामलला जी का विराजमान का जो महोत्सव हुआ, इसके लिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो 11 दिन का उपवास रखा, ग्यारह दिन जो उन्होंने भूमि शयन किया, 11 दिन हमारी रामानुजिया वैष्णव परंपरा के अनुसार शांति जो उन्होंने व्रत लिया, और 11 दिन अन्न फल जूस कुछ न लेके सिर्फ 2 टाइम नारियल पानी पीकर जो उन्होंने व्रत किया, हमारा सारा गौड़ीय समाज उनके इस कार्य पर प्रभावित है। 500 साल से जो कार्य असंभव सा लग रहा था, हमारे यशस्वी, हमारे तपस्वी प्रधानमंत्री जी के श्रेय में ये दिव्य कार्य हुआ, राम जी का भव्य मंदिर का उद्घाटन। अब मैं माननीय प्रधानमंत्री से प्रार्थना करूंगा प्रभुपाद जी का आशीर्वाद लेने के लिए, उनके श्री चरणों में पुष्पांजलि अर्पित करें।
माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। सुजनाबुदराधित पाद युगम युग धर्म प्रचारक दुर्यजनम जनता सुसुभाषण शक्ति पदम प्रणमामि सदा प्रभु पाद 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 पदम प्रणमामि। माननीय प्रधानमंत्री के बाद हमारे मठ के आचार्य सन्यासी महाराज जी एवं कानून हमारे कानून राज्य मंत्री श्री अर्जुन रामपाल मेघवाल जी एवं संस्कृति एवं विदेश राज्य मंत्री श्रीमती मीनाक्षी लेखी भी प्रभुपाद जी के चरणों में पुष्पांजलि अर्पित करके उनका आशीर्वाद ले रहे हैं। आज हमारे प्रभुपाद जी जगतगुरु श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर जिन्होंने 9 वर्ष 100 करोड़ हरे कृष्ण महामंत्र का जाप किया और जिन्होंने भारत में चैतन्य महापुरुष की परंपरा को पुनः उज्ज्वल किया, भारत के अलावा विदेशों में जिन्होंने अपने शिष्यों प्रशिष्यों को प्रचार के लिए भेजा और भेज रहे हैं, हमारे गौड़िया परिवार के प्रसिद्ध परम पूज्यपाद तिदंडी स्वामी श्रीमद् भक्ति विलास तीर्थ गोस्वामी महाराज, परम पूज्यपाद तिदंडी स्वामी श्रीमद् भक्ति रक्षक श्रीधर गोस्वामी महाराज, परम पूज्यपाद तिदंडी स्वामी श्री भक्ति दैत माधव गोस्वामी महाराज, परम पूज्यपाद ओडलोमी गोस्वामी महाराज, परम पूज्यपाद तिदंडी स्वामी श्रीमद् भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज, परम पूज्यपाद तिदंडी स्वामी श्रीमद् भक्ति सारंग गोस्वामी महाराज एवं इस्कॉन के संस्थापक हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी महाराज जिन्हें सारा संसार प्रभुपाद के नाम से जानता है, परम पूज्यपाद तिदंडी स्वामी श्रीमद् भक्ति कुमार संत गोस्वामी महाराज, इस सारे प्रचारकों को प्रभुपाद ने तैयार किया और ये सनातन धर्म के झंडे को लेकर देश विदेश में चलते रहे और आज प्रभुपाद जी ने 18 वर्षों में जो 64 प्रचार केंद्र प्रारंभ किए थे, आज इन प्रचारकों के प्रयास से आज पूरे देश में एवं विदेशों में हमारे भारत में तथा विदेश की धरती पर 64 से 60 नहीं 50 नहीं आज गौड़िया और इस्कॉन के भक्तों के द्वारा 5000 से अधिक सेंटर्स पूरे विश्व में हैं। प्रभुपाद श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोसाई की कृपा से 42,000 प्रचारक हमारे वैष्णव धर्म का सनातन धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। जो प्रभुपाद इतने महान हैं उनका 150वां जो जयंती महोत्सव आपके इस दिव्य सभागार में हो रहा है, तो मैं प्रार्थना करना चाहूँगा हमारे गौड़ीय मिशन के पूज्यपाद तिदंडी स्वामी श्री सद भक्ति सुंदर सन्यासी महाराज से कि वे आज की सभा के जो मुख्य अतिथि हैं माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी, उन्हें अंग वस्त्र साल अर्पित करें एवं उनके श्री हस्तों में स्मृति चिन्ह प्रदान करें। पूज्यपाद सन्यासी महाराज।
श्रीला प्रभुपाद की। जय श्री राम। सारे जगत को जय श्री राम में डुबोने वाले। आज के समय में जो नारा चल रहा है, एक ही नारा, एक ही नाम, जय श्री राम, जय श्री राम। और थोड़ी प्रतीक्षा करें, हमारे प्रधानमंत्री जी के हाथों को और मजबूत करें, कुछ समय बाद जय श्री कृष्ण भी आप बोलोगे। अभी मैं प्रार्थना करना चाहूंगा, हमारे गौड़ीय मिशन के जो वर्तमान आचार्य हैं, जिनके उत्साह से आज भारत में और विदेशों में प्रभुपाद श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी का 150वां जयंती महोत्सव मनाया जा रहा है, वे आज की सभा में अपना स्वागत या अभिभाषण प्रदान करें। पूज्यपाद सन्यासी महाराज। वंदे अहम श्री गुरो श्रीयुत पद कमलम श्री गुरुन वैष्णवांश्च श्री रूपं साग्रजातु सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादं सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मुझे खुशी हो रही है कि आज से तकरीबन 150 साल पहले एक सशक्त लीडर चैतन्य महाप्रभु का वाणी के प्रचार के लिए दुनिया भर में फैलाने के लिए जिनका आविर्भाव हुआ था, आध्यात्मिक चेतना को जागृत करने के लिए एक महान लीडर के तरफ आए थे, और आज हमारा देश के एक महान लीडर, विश्व के राजनीति में जिनका नाम अभी प्रथम श्रेणी में आ रहा है, ओ मेरा प्रभुपाद को, गरिमा को गरिमान्वित करने के लिए साक्षात सान्निध्य देकर हमें कृतार्थ किए। चैतन्य महाप्रभु का जो शिक्षा, उनका जो दर्शन, उससे पहले बौद्ध दर्शन में अहिंसावाद, शंकराचार्य जगत गुरु शंकराचार्य के माध्यम से वेदांतवाद, ब्रह्मवाद आया। उसके बाद भारतवर्ष के दक्षिण देश से चार वैष्णव संप्रदाय आविर्भूत हुए। ये सब का सिद्धांत को सम्मिलित करते हुए, निचोड़ निकालते हुए चैतन्य महाप्रभु ने अचिंत भेदाभेदवाद का स्थापन करते हुए दुनिया को संकीर्तन रस में डुबो दिए।
वही वाणी और उनका दर्शन तकरीबन 150 साल बाद उसमें विकृति आया, उसमें ग्लानी आया, उसमें परिवर्तन आया। और जिनके आज 150 साल जन्म उत्सव का शुभारंभ हम करने जा रहे हैं, वही महान पुरुष है। ग्लानी को दूर किया, सिद्धांत के बल पर, सत सिद्धांत के आधार पर, अपना उद्घोष के माध्यम से उन्होंने चैतन्य महाप्रभु का वो विशुद्ध भक्ति योग का जो धारा है, परंपरा है, उसको जागृत किया, पुनर्स्थापित किया। मैं उस प्रभुपाद के चरण में अनंत कटि दंडवत प्रणाम करता हूं। उन्होंने अपना इच्छा से नहीं किया। जगन्नाथपुरी में वो आए, आविर्भूत हुए, 6 महीना के बाद रथ यात्रा हुआ, जगन्नाथ जी के रथ प्रभुपाद जी के द्वार पर खड़े हो गए। कोई महात्मा बोल रहे थे कि हम लोग तो प्रभुपाद भगवान का इंतजार करते हैं, कभी भगवान भी भक्तों का इंतजार करते हैं। और रथ वहां पर खड़े हो गए और जब प्रभुपाद जी का, उनका माताजी प्रभुपाद जी का मस्तक रथ में लगाया तो जगन्नाथ जी का प्रसादी माला उनके सिर पर पड़े। आगे जाके जब चैतन्य महाप्रभु का भावधारा लुप्त हो रहे थे, जब भीतर में उनका बड़ा दुख महसूस हो रहा था कि ये ग्लानी को कैसे दूर किया जाए, चैतन्य महाप्रभु आए। उनके साथ 5 पंचतत्व के रूप में आए, प्रभुपाद जी के गुरुवर्ग आए, लाइन देकर आकर मायापुर में सबनादेश करते हैं, उठो विमला प्रसाद, जागो, हम लोग तुम्हारा साथ में है। और इस विश्व को चैतन्य महाप्रभु का दर्शन कुछ पहुंचाना है, दार दार पर पहुंचाना। उपाय, प्रोसेस क्या? उस समय हम लोग पराधीन थे, हमारा देश पराधीन था, ब्रिटिश समय था, जिस समय बिजली का इतना व्यवस्था नहीं थी, जिस समय कन्वीनियंस का व्यवस्था नहीं थी। प्रभुपाद जी गांव गांव पर गए, बैल का गाड़ी में गए, लंठन लेकर गए, निरंतर चैतन्य महाप्रभु का कीर्तन को गाते रहे, कृष्ण नाम का महिमा गाते रहे। गाते गाते ऐसा समय आया कि 16 साल में 64 मंदिर स्थापना कर दिया गौड़ीय मठ स्थापना। क्या नहीं किया? सबसे पहले हैंड्रिल मशीन प्रेस, उस मशीन को स्थापन किया, एक नहीं 3-3 मशीन मायापुर में, कृष्णनगर में, कलकत्ता में स्थापन किया। देखा कि लाइब्रेरी में वैष्णव ग्रंथ सब लुप्त हो रहा था, एक एक करके उद्धार किया। उनका पिताजी भक्त विनोद ठाकुर उस समय ब्रिटिश गवर्नमेंट के जो मैजिस्ट्रेट थे उनको बोला कि तुम चलो आगे बढ़ो, मैं तुम्हारा साथ हूं। प्रेस स्थापन किया, 5-5 भाषा में पत्रिका निकाले, कहां असम, कहां नैमी सारण, हिंदी भाषा में, आसामी भाषा में, बंगाली भाषा में, इंग्रेजी भाषा में द हार्मोनिस्ट, और संस्कृत भाषा में सज्जन तसनी, उड़िया भाषा में परमार्थी पत्रिका निकालकर। क्या दया नहीं किया? भारतवर्ष के कोन कोने में भेजने में बाकी रखा, बाकी छोड़ा हो। और उसके बाद जैसे कि आज डेली न्यूज़पेपर निकलता है, हिम्मत था कि मायापुर से दैनिक नदिया प्रकाश एक पत्रिका निकलना शुरू किया, और जिसमें चैतन्य महाप्रभु का दर्शन को, चैतन्य महाप्रभु का वाणी को, उनका उद्देश्य था कि कलिजुग वर्णाश्रम धर्म विकृत हो रहा था,
उसको बचाना नहीं जा सकता है। लेकिन चैतन्य दर्शन में उन्होंने सोचा कि अगर कृष्ण भजन में लगा दिया जाए, चाहे ब्रह्मचारी हो, 10 साल 20 साल वो त्याग किए हो, लेकिन वो यदि हरि सेवा हरि भजन नहीं करेंगे तो ब्रह्मचर्य बेकार है। सन्यासी दंड लेकर घूमेंगे, ओम ब्रह्म ब्रह्मास्मि करते रहेंगे, लेकिन ये सब यदि अगर कृष्ण भजन करेंगे, कृष्ण सेवा करेंगे, कृष्ण कथा लोगों के कान में देंगे, तो ये दैव वर्णाश्रम सृष्टि किया उनका सृष्टि है। वर्णाश्रम धर्मों को कृष्ण भजन के अनुकूल ढांचा में उन्होंने गिरा दिया और दैव वर्णाश्रम सृष्टि करने का वो। आगे जाके उन्होंने चैतन्य महाप्रभु के समय पर अद्वैत आचार्य जो उनके परम भक्त थे, उन्होंने महाप्रभु से प्रार्थना किया कि आप यदि प्रेम धन भक्ति धन आप बिलाएंगे तो स्त्री शूद्र और मूर्ख को देना। प्रभुपाद जब आया, उनके तकरीबन 400-450 साल बाद आया, उन्होंने मन में टारगेट किया कि ठीक है, दीन दरिद्र सब कृष्ण नाम करेंगे, लेकिन समाज के उच्च स्थान में उच्च आसन में बैठे हुए कुलीन धनी और पंडित, ये तीनों को यदि नहीं खींचा जाए, ये तीनों को यदि हरि भक्ति में नहीं लगाया जाए तो समाज का उन्नति नहीं हो सकता है। तो उन्होंने क्या किया, स्थान स्थान में मठ स्थापन किया, प्रैक्टिकल रूम। कृष्ण भक्ति करना है, लोकल मठ है वहां पर जाओ, साधु का दर्शन करो, प्रणाम करो, भगवान जी का मूर्ति है वहां प्रणाम करो, हाथ से झाड़ू लगाओ, सब्जी काटो, माला बनाओ, हरि सेवा में लगाकर सबको एकदम नवदा भक्ति, भागवत में जो वर्णन है नवदा भक्ति का, एकदम प्रैक्टिकल करके वो करा के दुनिया को उद्धार कर दिया। एक समय उनके पास इतना युवक आ गया, इतना टैलेंटेड युवक आया, तकरीबन 20 जो सन्यासी का नाम अभी महाराज जी बोल रहे थे, उन्होंने 20 सन्यासी को तैयार किया, तकरीबन 50 ब्रह्मचारी को तैयार किया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस उस समय थे कलकत्ता का मेयर, उन्होंने देखा कि इनका बहुत प्रभाव है, एक दिन मिलने के लिए आए, बोला कि आप तो युवा समाज को बहुत आकृष्ट कर लिया। उसके आगे जाकर जो स्वाधीनता संग्राम शुरू करने का इच्छा किया कि ब्लड दो हम स्वाधीनता देंगे, प्रभुपाद बोलते हैं कि ब्रह्मचारी सन्यासी तुम लोग सुनो, गैलन गैलन खून तुमको देना पड़ेगा, इस संसार में जो दुखी जीव है उसको भगवान के लोक में, वैकुंठ लोक में ले जाने के लिए तुम लोग को गैलन गैलन रक्त देना पड़ेगा। ये है प्रभुपाद जी का स्वाधीनता। प्रभुपाद जी, चैतन्य महाप्रभु बोले, भागवत में वर्णन है, श्रीमद् भागवत में कलौ तद हरि कीर्तनात्, चैतन्य महाप्रभु बोले, हर से प्रभु कहे सुन स्वरूप राम राय, नाम संकीर्तन कलौ परम उपाय। एकमात्र उपाय है कलि युग में हरि नाम संकीर्तन। इस वाणी को दार दार पर, ग्राम शहर तक, देश विदेश तक पहुंचाने का जो बेड़ा उठाया था, जो पहुंचाने का श्रेय जिनको पास जाता है, वो हमारा आज भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद है। और उनका एक ही नारा था, समाज में राजनीति नेताओं में नारा होता है, प्रभुपाद जी एक नारा लगा दिया, इतना बुद्धिमान थे कि तुम लोग का नारा है बैक टू गॉड बैक टू होम, बैक टू गॉड बैक टू होम। इस संसार में दुख का संसार है, कीचड़ इसमें भरा हुआ है, मलिनता है, अंतर्द्वंद है, कलह है, संशय है, कृष्ण नाम करो, हृदय को साफ करो, आगे बढ़ते चलो। मेरा ठीक समय हो रहा है, मैं समझ में मेरा सामने खड़े हो गए महाराज जी, मैं दो एक बात जरूर बोलूंगा। राजमिस्त्री क्या करते हैं, ईटा को सीमेंट बाली से जोड़ते हैं, गृह निर्माण करते हैं। सृष्टिकर्ता भगवान इस भौतिक शरीर को बनाता है, आत्मा से जोड़कर संपूर्ण मानव सृष्टि कर देता है। हमारा प्रभुपाद जी एक मानव को पकड़कर कृष्ण नाम सुनाकर कृष्ण के साथ जोड़ दिया, कृष्ण संबंध जाइने, और वो कृष्ण भक्त बना दिया, इतना सारे कृष्ण भक्त बना दिया। एक समय प्रभुपाद जी कहते हैं,
सन्यासी ब्रह्मचारी गृह भक्त तुम तिलक लगाया, चटी रखा, हाथ में हरिनाम झोला पकड़ा, लेकिन तुम लोग का एक काम जरूर है, इस संसार के प्रत्येक घर के दार दार पर जाके एक बार नक करना, एक बार आघात करना। वो लोग यदि पूछता है कि शांति और सुख कहां पर है, तो वो लोग को बोलना कि विशुद्ध कृष्ण भजन जो चैतन्य महाप्रभु ले आया, उसी से तुम्हारा वास्तव शांति, नित्य शांति प्राप्त हो सकता है। हरि बोल, हरि बोल। और मैं अभी अपना भाषण को समाप्त करने से पहले निश्चित रूप से ये बात कहूंगा, उनके पिता भक्ति विनोद ठाकुर ने नाम हट्टो खुले थे, उन्होंने उस नाम हट्टो को गौड़ीय मठ बना दिया। आज वो हाट इंडिया के अंदर नहीं है, इंडिया के बाहर देशों देशों तक वो हाट बीज गया। हम लास्ट में एक बात आज जरूर कहेंगे, हम इतना सक्षम नहीं है, हम फिनेंशियली वीक है, लेकिन प्रधानमंत्री जी के इच्छा से भारत के सांस्कृतिक विभाग जिस तरह से हमें हेल्प किया, कभी भूलने वाला बंचा। पूज्य बात तिदंडी स्वामी श्रीमद भक्ति सुंदर सन्यासी महाराज जी के स्वागत या अभिभाषण की बात मैं प्रार्थना करना चाहूँगा। श्री अर्जुन रामपाल मेघवाल जी, कानून मंत्री, वे भी आज की जो हमारी कृष्ण भक्त जनता है, इनको कुछ शब्दों से उद्बोधित करें। श्री अर्जुन राम मेघवाल जी। विश्व में सनातन संस्कृति व श्री कृष्ण भक्ति के प्रसार के माध्यम से भक्ति परंपरा को नई दिशा देने वाले पूज्य श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद जी की 150वीं जन्म जयंती पर उनको कोटि कोटि प्रणाम। हरे कृष्ण। इस भव्य आयोजन की सभी भक्तजनों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। इस अवसर पर मंच पर उपस्थित विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता, विकसित भारत के संकल्प को सिद्धि में परिणित करने हेतु पूर्ण मनोयोग से लगे भारतीय सांस्कृतिक पुनरुत्थान के कुशल शिल्पीकार व युग नायक, भारत के यशस्वी व तपस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, गोड़िया मिशन के अध्यक्ष पूज्य श्री भक्ति सुंदर सन्यासी जी, भजन कुटीर वृंदावन के आचार्य पूज्य श्री भक्ति गोपानंद दा बोन महाराज जी, केंद्रीय संस्कृति एवं विदेश राज्य मंत्री श्रीमती मीनाक्षी लेखी जी तथा उपस्थित संतजन, भक्तजन, नारी शक्ति, युवा शक्ति, मीडिया बंधु, डिजिटल माध्यम से जुड़े हुए विश्व के समस्त श्रद्धालुगण व श्रोतागण, आज गोड़िया मिशन के संस्थापक श्रील प्रभुपाद जी के 150वीं जन्म जयंती के अवसर पर वर्ष भर होने वाले कार्यक्रमों की इस श्रृंखला के शुभारंभ के अवसर पर आप सभी के मध्य सहभागिता करना गर्व व हर्ष की अनुभूति वाला क्षण है। भारत के गौरवशाली इतिहास को देखा जाए तो हम अपने आप को सौभाग्यशाली पाते हैं कि जब जब अनैतिकता ने मानवता को पराभूत करने का प्रयास किया, तब तब इस पवित्र भूमि पर अनेकों संत महात्माओं ने अवतरित होकर शाश्वत मूल्यों द्वारा मानव मात्र को एक नई दिशा दिखाई। आज का ये कार्यक्रम श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद के जीवन मूल्यों से प्रेरणा लेकर मानवता की विकास यात्रा को दिशा देने का सुअवसर है। आज से 150 वर्ष पूर्व 6 फरवरी 1874 को जन्मे आचार्य श्रील प्रभुपाद ने चैतन्य महाप्रभु द्वारा दिखाए गए भजन कीर्तन भक्ति मार्ग पर चलते हुए गोड़िया मिशन के द्वारा वैष्णव संप्रदाय के मौलिक सिद्धांतों को संरक्षित करके भारत ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसारित करने का कार्य किया। आज यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रयासों से
देश का सांस्कृतिक गौरव फिर लौट रहा है तथा भारत के सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक मूल्यों की प्रगाढ़ता पूरे विश्व का मार्गदर्शन कर रही है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को यूनाइटेड नेशन में स्वीकृति दिलवाकर योग पद्धति का वैश्विक प्रचार प्रसार हो, विदेशों से चोरी की गई प्राचीन मूर्तियों की वापसी हो, काशी विश्वनाथ भव्य बना हो, उज्जैन में महाकाल लोक कॉरिडोर का निर्माण हुआ हो, करतारपुर साहिब कॉरिडोर बना हो, सोमनाथ मंदिर पुनर्निर्माण, चार धामों केदारनाथ बद्रीनाथ गंगोत्री यमुनोत्री से जोड़ने वाली सड़क परियोजना हो, श्री गुरु गोविंद सिंह जी के 1350वां प्रकाश पर्व हो, श्री गुरु नानक देव जी का 550वां प्रकाश पर्व हो, गुरु तेग बहादुर जी का 400वां प्रकाश पर्व हो, स्वामी दयानंद सरस्वती जी की 2वीं जयंती हो, भारत की आध्यात्मिक विरासत को समृद्ध करने वाले ऐसे असंख्य कार्यक्रमों से लेकर हाल ही में अयोध्या में श्री रामलला का भव्य मंदिर तथा प्राण प्रतिष्ठा हो, आज पूरा विश्व भारत की सांस्कृतिक पुनरुत्थान का साक्षी बन रहा है। ऐसा कहा जाता है कि बारिश आती है तो प्रकृति खुश होती है और जब संत आते हैं तो संस्कृति खुश होती है। श्रील प्रभुपाद ऐसे ही संत थे जिन्हें पाकर भारत भूमि अपने आप को धन्य महसूस करती है। मैं इस अवसर पर अंत में बस इतना ही कहना चाहता हूं, तरवर सरवर संत जन चौथा बरसन में परमार्थ रे कारण चारों धारी दे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। श्री अर्जुन राम मेघवाल जी के सुंदर विचार के बाद मैं आप सभी से प्रार्थना करूंगा। हमारे पूज्य सन्यासी महाराज जी के उत्साही भक्तों ने प्रभुपाद जी की महिमा पर एक शॉर्ट फिल्म बनाई है, आप सभी उसका अवलोकन करें। सभी श्रद्धालु जन चैतन्य महाप्रभु भक्त थे, जहां कोई विभक्त को स्थान नहीं था वे कृष्ण में डूबे हुए थे, कृष्ण उनमें समाहित हो चुका था। और तब जाकर के ये भक्ति आंदोलन खड़ा होता है। और इसलिए गौड़िया संगठन गौड़िया मिशन को शताब्दी का पर्व एक प्रकार से सामाजिक सुधार के आंदोलन की शताब्दी। 6 फरवरी 1874 में श्रील प्रभुपाद का जन्म श्रील भक्ति विनोद ठाकुर के पुत्र के रूप में हुआ। बाल्यकाल में उनका नाम बिमला प्रसाद था। अपने पिता से गोस्वामी शास्त्र का गहन अध्ययन किया। कॉलेज में खगोल विज्ञान तथा अंतर्राष्ट्रीय इतिहास एवं दर्शन की शिक्षा प्राप्त की। मार्च 1918 में श्रील प्रभुपाद ने चंद्रशेखर आचार्य ब्रजपत्तन के निवास पर वैष्णव अनुष्ठानों के साथ संन्यास लिया एवं चैतन्य मठ की स्थापना की। सन 1930 में गौड़िया मिशन के मुख्य कार्यालय को श्री गौड़िया मठ बाग बाजार कोलकाता में स्थानांतरित किया गया। फिर संपूर्ण भारत व विदेशों में कुल 64 शाखाएं स्थापित की गईं। गोस्वामी प्रभुपाद ने 5 प्रांतीय भाषाओं में 6 पत्रिकाओं सहित 100 से अधिक पुस्तकों का संपादन और प्रकाशन किया। अगस्त 1923 में गौड़िया पत्रिका प्रकाशन हेतु गौड़िया प्रिंटिंग वर्क्स प्रारंभ की। उन्होंने सन 1929 में नवद्वीप धाम परिक्रमा की एवं सन 1932 में विशाल जन मंडली के साथ 84 कोस परिक्रमा की, जो ब्रज धाम के 12 वनों के 162 मील के क्षेत्र में 1 महीने तक जारी रही। उन्होंने शिक्षा में क्रांति हेतु भारत के विभिन्न स्थानों कुरुक्षेत्र, मायापुर, कलकत्ता, ढाका, पटना, बनारस,
इलाहाबाद आदि स्थानों पर विराट आध्यात्मिक प्रदर्शनियां आयोजित की, जिनमें लाखों भक्त आकर्षित होते थे। रूपा जी का इस महोत्सव में भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी साक्षात रूप से उपस्थित होंगे और इस उत्सव का गरिमा को बढ़ाएंगे। भारत सरकार के विशेष प्रयास से श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद के 150वें जन्मोत्सव को स्मरणोत्सव वर्ष 2024-2025 के रूप में मनाया जा रहा है। भारत सरकार के प्रयासों से ही भारत के महान दार्शनिक महापुरुष एवं संत श्रील प्रभुपाद को संपूर्ण विश्व में यथा योग्य सम्मान प्राप्त हुआ है। भारत सरकार के हार्दिक प्रयास से श्रील प्रभुपाद के इस स्मरणोत्सव के द्वारा संपूर्ण विश्व में भारतीय सनातन संस्कृति के शांति प्रेम एवं श्री कृष्ण भावनामृत के संदेश का प्रचार प्रसार होगा। इस महोत्सव के द्वारा भारतीय विशुद्ध वैदिक सिद्धांत का प्रचार करने वाले एवं विश्व के हरे कृष्ण आंदोलन के अग्रदूत श्रील प्रभुपाद के प्रति संपूर्ण विश्ववासियों को उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करने का सुअवसर प्राप्त होगा। इनके संदेश अनंत काल तक संपूर्ण विश्व का मार्गदर्शन करते रहेंगे, ऐसी आशा करते हैं। जगतगुरु श्री प्रभुपाद की जय। प्रभुपाद जी की महिमा से संबंधित इस शॉर्ट फिल्म की बात मैं प्रार्थना करना चाहूंगा पूज्यपाद तिदंडी स्वामी श्री श्रीमद भक्ति सुंदर सन्यासी महाराज से कि वे प्रभुपाद जी की महिमा से रिलेटेड जो सोविनियर है स्मारिका वे हमारी आज के सभा के जो मुख्य अतिथि हैं माननीय प्रधानमंत्री जी को भेंट करेंगे। पूज्यपाद सन्यासी महाराज जी, साथ ही मैं प्रार्थना करना चाहूंगा संस्कृति एवं विदेश राज्य मंत्री श्रीमती मीनाक्षी लेखी जी को कि वे आज प्रभुपाद जी के 150वें वार्षिक जन्मोत्सव पर जो डाक टिकट के विमोचन के लिए प्रधानमंत्री जी के श्री हस्तों पर अर्पण करें। जी के 150वें जन्मोत्सव के उपलक्ष में प्रार्थना करना चाहूंगा श्रीमती मीनाक्षी लेखी जी को कि जो सुंदर स्मारक सिक्का बना है प्रभुपाद जी के उसमें हमारे जन समर्पित करने के लिए प्रधानमंत्री जी के श्री हस्तों में भेंट करें माननीय श्रीमती मीनाक्षी लेखी जी। हमारे देश की बागडोर बहुत अच्छे हाथों में है और सिर्फ हमारे सनातन धर्म को मानने वाले ही उनसे प्रभावित नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक एसोसिएशन भी उन्हें उनके इस कार्यों के लिए बहुत बार सम्मानित कर चुकी है। धार्मिक कार्यों के अलावा कश्मीर से कन्याकुमारी तक हाईवेज, वंदे मातरम जैसी फास्ट ट्रेन, गरीबों के लिए मकान, घर घर में शौचालय, स्वच्छ भारत अभियान। देखो पहले हम कार में बस में बैठते मूंगफली
या संतरे खाते थे, छिलके बाहर फेंक देते थे, आज कोई नहीं फेंकता मंत्री जी, प्रधानमंत्री जी के इस भावना से। देश में बहुत से एयरपोर्ट्स उज्ज्वला योजना के अंतर्गत घर घर में गैस कनेक्शन, समाज का जो सबसे निचले पायदान पर खड़े उपेक्षित वंचित लोग उनको भी ऊपर उठाने के लिए जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कार्य कर रहे हैं, उनसे मैं प्रार्थना करना चाहूँगा। हमारी जो गौड़ीय भक्त जनता, कृष्ण भक्त जनता यहाँ पर उपस्थित है, उन्हें अपने हृदय के उद्गार व्यक्त करें माननीय प्रधानमंत्री महोदय। इस पवित्र आयोजन में उपस्थित सभी पूज्य संतगण, आचार्य गौड़ीय मिशन के श्रद्धे भक्ति सुंदर संन्यासी जी, कैबिनेट में मेरे सहयोगी अर्जुन राम मेघवाल जी, मीनाक्षी लेखी जी, देश और दुनिया से जुड़े सभी कृष्ण भक्त, अन्य महानुभाव, देवी और सज्जनों, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। आज आप सबके यहाँ पधारने से भारत मंडपम की भव्यता और बढ़ गई है। इस भवन का विचार भगवान बसवेश्वर के अनुभव मंडप से जुड़ा हुआ है। अनुभव मंडपम प्राचीन भारत में आध्यात्मिक विमर्शों का केंद्र था। अनुभव मंडपम जन कल्याण की भावनाओं और संकल्पों का ऊर्जा केंद्र था। आज श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद जी की 150वीं जयंती के अवसर पर भारत मंडपम में वैसी ही ऊर्जा दिखाई दे रही है। हमारी सोच भी थी कि ये भवन भारत के आधुनिक सामर्थ्य और प्राचीन मूल्यों दोनों का केंद्र बनना चाहिए। अभी कुछ महीने पहले G20 समिट के जरिए यहां से नए भारत के सामर्थ्य के दर्शन हुए थे और आज इसे वर्ल्ड वैष्णव कन्वेंशन को आयोजित करने इसका इतना पवित्र सौभाग्य मिल रहा है। और यही तो नए भारत की तस्वीर है। जहां विकास भी और विरासत भी दोनों का संगम है, जहां आधुनिकता का स्वागत भी है और
अपनी पहचान पर गर्व भी है। ये मेरा सौभाग्य है कि इस पुण्य आयोजन में आप सब संतों के बीच यहां उपस्थित हो। और मैं अपना सौभाग्य मानता हूं कि आप में से बहुत कई संतों के साथ मेरा निकट संपर्क रहा है, मुझे अनेक बार आप सबका सानिध्य मिला है। मैं कृष्णम वंदे जगद्गुरुम की भावना से भगवान के श्री चरणों में प्रणाम करता हूं। मैं श्रील भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद जी को श्रद्धापूर्वक नमन करते हुए उन्हें आदरांजलि देता हूं, श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं। मैं प्रभुपाद के सभी के अनुयायियों को उनकी 150वीं जन्म जयंती की हृदय से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आज इस अवसर पर मुझे श्रील प्रभुपाद जी की स्मृति में पोस्टल स्टैंप और स्मारक सिक्का जारी करने का सौभाग्य भी मिला और मैं इसके लिए भी आप सभी को बधाई देता हूं। पूज्य संतगण, प्रभुपाद गोस्वामी जी की 150वीं जयंती हम ऐसे समय मना रहे हैं जब कुछ ही दिन पहले भव्य राम मंदिर का सैकड़ों साल पुराना सपना पूरा हुआ है। आज आपके चेहरों पर जो उल्लास, जो उत्साह दिखाई दे रहा है, मुझे विश्वास है इसमें राम लला के विराजमान होने की खुशी भी शामिल है। इतना बड़ा महायज्ञ संतों की साधना से, उनके आशीर्वाद से ही पूरा हुआ है। साथियों, आज हम सब अपने जीवन में ईश्वर के प्रेम को, कृष्ण लीलाओं को और भक्ति के तत्व को इतनी सहजता से समझते हैं। इस युग में इसके पीछे चैतन्य महाप्रभु की कृपा की बहुत बड़ी भूमिका है। चैतन्य महाप्रभु कृष्ण प्रेम के प्रतिमान थे। उन्होंने आध्यात्म और साधना को जन साधारण के लिए सुलभ बना दिया, सरल बना दिया। उन्होंने हमें बताया कि ईश्वर की प्राप्ति केवल सन्यास से ही नहीं, उल्लास से भी हो की जा सकती है। और मैं अपना अनुभव बताता हूं, मैं इस परंपराओं में पला बढ़ा इंसान हूं। मेरे
जीवन के जो अलग अलग पड़ाव है उसमें एक पड़ाव कुछ और ही था। मैं उन माहौल में बैठता था, बीच में रहता था, भजन कीर्तन चलते थे, मैं अपने कोने में बैठा रहता था, सुनता था, मन भर के जी भर करके उस पल को जीता था, लेकिन जुड़ता नहीं था, बैठा रहता था। पता नहीं एक बार मेरे मन को काफी विचार चले, मैंने सोचा ये दूरी किस चीज की है, वो क्या है जो मुझे रोक रहा है। जीता तो हूं, जुड़ता नहीं हूं। और उसके बाद जब मैं भजन कीर्तन में बैठने लगा तो खुद भी ताली बजाना, जुड़ जाना, और मैं देखता चला गया कि मैं उसमें रम गया था। मैंने चैतन्य प्रभु की इस परंपरा में जो सामर्थ्य है उसका साक्षात्कार किया हुआ है, और अभी जब आप कर रहे थे और मैं ताली बजाना शुरू हो गया तो वहां लोगों को लग रहा है पीएम ताली बजा रहा है। पीएम ताली नहीं बजा रहा था, प्रभु भक्त ताली बजा रहा था। चैतन्य महाप्रभु ने हमें वो दिखाया कि श्री कृष्ण की लीलाओं को, उनके जीवन को उत्सव के रूप में अपने जीवन में उतारकर कैसे सुखी हुआ जा सकता है, कैसे संकीर्तन भजन गीत और नृत्य से आध्यात्म के शीर्ष पर पहुंचा जा सकता है। आज कितने ही साधक ये प्रत्यक्ष अनुभव कर रहे हैं, और जिसका अनुभव को आनंद होता है, मुझे उसका साक्षात्कार हुआ है। चैतन्य महाप्रभु ने हमें श्री कृष्ण की लीलाओं का लालित्य भी समझाया और जीवन के लक्ष्य को जानने के लिए उसका महत्व भी हमें बताया। इसलिए भक्तों में आज जैसी आस्था भागवत जैसे ग्रंथों के प्रति है, वैसा ही प्रेम चैतन्य चरितामृत और भक्तमाल के लिए भी है। साथियों, चैतन्य महाप्रभु जैसी दैवीय विभूतियां समय के अनुसार किसी न किसी रूप से अपने कार्यों को आगे बढ़ाती रहती है। श्रील भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद उन्हीं के संकल्पों की प्रतिमूर्ति थे। साधना से सिद्धि तक कैसे पहुंचा जाता है, अर्थ से परमार्थ तक की यात्रा कैसे होती है, श्री शील भक्ति सिद्धांत जी के जीवन में हमें पग पग पर यह देखने को मिलता है। 10 साल से कम उम्र में प्रभुपाद जी ने पूरी गीता कंठस्थ कर ली। किशोरावस्था में जो उन्होंने आधुनिक शिक्षा के साथ साथ संस्कृत, व्याकरण, वेद, वेदांगों में
विद्वता हासिल कर ली। उन्होंने ज्योतिष गणित में सूर्य सिद्धांत जैसे ग्रंथों की व्याख्या की। सिद्धांत सरस्वती की उपाधि हासिल की। 24 वर्ष की उम्र में उन्होंने संस्कृत स्कूल भी खोल दिया। अपने जीवन में स्वामी जी ने 100 से अधिक किताबें लिखी, सैकड़ों लेख लिखे, लाखों लोगों को दिशा दिखाई। यानी एक प्रकार से ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग दोनों का संतुलन जीवन व्यवस्था से जोड़ दिया। वैष्णव भजन तो तेने कहिए, पीर पढ़ाई जाने रे। इस भजन से गांधी जी जिस वैष्णव भाव का गान करते थे, श्री श्रील प्रभुपाद स्वामी ने उस भाव को, अहिंसा और प्रेम के उस मानवीय संकल्प को देश विदेश में पहुंचाने का काम किया। साथियों, मेरा जन्म तो गुजरात में हुआ है। गुजरात की पहचान ही है कि वैष्णव भाव कहीं भी जगे, गुजरात उससे जरूर जुड़ जाता है। खुद भगवान कृष्ण मथुरा में अवतरित होते हैं, लेकिन अपनी लीलाओं का विस्तार देने के लिए वो द्वारिका आते हैं। मीराबाई जैसी महान कृष्ण भक्त राजस्थान में जन्म लेती है, लेकिन श्री कृष्ण से एकाकार होने वो गुजरात चली आती है। ऐसे कितने ही वैष्णव संत हैं जिनका गुजरात की धरती से, द्वारिका से विशेष नाता रहा है। गुजरात के संत कवि नरसिंह मेहता, उनकी भी जन्मभूमि है। इसलिए श्री कृष्ण से संबंध चैतन्य महाप्रभु की परंपरा, ये मेरे लिए जीवन का सहज स्वाभाविक हिस्सा है। साथियों, में 2016 में गौड़ीय मठ के शताब्दी समारोह में आप सबके बीच आया था। उस समय मैंने आपके बीच भारत की आध्यात्मिक चेतना पर विस्तार से बात की थी। कोई समाज जब अपनी जड़ों से दूर जाता है तो वो सबसे पहले अपने सामर्थ्य को भूल जाता है। इसका सबसे बड़ा प्रभाव ये होता है, जो हमारी खूबी होती है, जो हमारी ताकत होती है, हम उसे ही लेकर हीन भावना का शिकार हो जाते हैं। भारत की परंपरा में, हमारे जीवन में भक्ति जैसा महत्वपूर्ण दर्शन भी इससे अछूता नहीं रहा। यहां बैठे युवा साथी मेरी बात से कनेक्ट कर पाएंगे। जब भक्ति की बात आती है तो कुछ लोग सोचते हैं कि भक्ति, तर्क और आधुनिकता, ये विरोधाभासी बातें हैं। लेकिन असल में ईश्वर की भक्ति हमारे ऋषियों का दिया हुआ महान दर्शन है। भक्ति हताशा नहीं, आशा और आत्मविश्वास है। भय भक्ति नहीं, उत्साह है, उमंग है। राग और वैराग्य के बीच में जीवन में चैतन्य का भाव भरने का सामर्थ्य होता है भक्ति में। भक्ति वो है
जैसे युद्ध के मैदान में खड़े श्री कृष्ण के गीता के 12वें अध्याय में महान योग बताते हैं, जिसकी ताकत से निराश हो चुके अर्जुन अन्याय के खिलाफ अपना गांडी उठा लेते हैं। इसलिए भक्ति पराभव नहीं, प्रभाव का संकल्प है। लेकिन साथियों, ये विजय हमें दूसरों पर नहीं, ये विजय हमें अपने ऊपर हासिल करनी है। हमें युद्ध भी अपने लिए नहीं, बल्कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र की भावना से मानवता के लिए लड़ना है। और यही भावना हमारी संस्कृति में, हमारी रगों में रची बसी हुई है। इसलिए भारत कभी सीमाओं के विस्तार के लिए दूसरे देशों पर हमला करने नहीं गया। जो लोग इतने महान दर्शन से अपरिचित थे, जो उसे समझे नहीं, उनके वैचारिक हमलों ने कहीं ना कहीं हमारे मानस को भी प्रभावित किया। लेकिन हम श्रील प्रभुपाद जैसे संतों के ऋणी हैं, जिन्होंने करोड़ों लोगों को पुनः सच के दर्शन कराए, उन्हें भक्ति की गौरव भावना से भर दिया। आज आजादी के अमृत काल में गुलामी की मानसिकता से मुक्ति का संकल्प लेकर देश संतों के उस संकल्प को आगे बढ़ा रहा है। साथियों, यहां भक्ति मार्ग के इतने विद्वान संतगण बैठे हैं, आप सभी भक्ति मार्ग से भली भांति परिचित हैं। हमारे भक्ति मार्ग के संतों का योगदान आजादी के आंदोलन में भक्ति आंदोलन की भूमिका अमूल्य रही है। भारत के हर चुनौतीपूर्ण कालखंड में कोई न कोई महान संत, आचार्य, ऋषि, मुनि किसी न किसी रूप में राष्ट्र को दिशा देने के लिए सामने आए हैं। आप देखिए, मध्यकाल के मुश्किल दौर में जब हार भारत को हताशा दे रही थी, तब भक्ति आंदोलन के संतों ने हमें हारे को हरि नाम, हारे को हरि नाम मंत्र दिया। इन संतों ने हमें सिखाया कि समर्पण केवल परम सत्ता के सामने करना है। सदियों की लूट से देश गरीबी की गहरी खाई में था, तब संतों ने हमें त्याग और तितिक्षा और जीवन जीकर अपने मूल्यों की रक्षा करना सिखाया। हमें फिर से यह आत्मविश्वास से भंगवा कि जब सत्य की रक्षा के लिए अपना सब कुछ बलिदान किया जाता है, तो असत्य का अंत होकर ही रहता है। सत्य की ही विजय होती है, सत्यमेव जयते। इसलिए आजादी के आंदोलन को भी स्वामी विवेकानंद और श्रील स्वामी प्रभुपाद जैसे संतों ने असीम ऊर्जा से भर दिया था। प्रभुपाद स्वामी के पास नेताजी सुभाष चंद्र बोस और महामना मालवीय जैसी हस्तियां उनके आध्यात्मिक मार्गदर्शन लेने आती थी। साथियों, बलिदान देकर भी अमर होने रहने का यह आत्मविश्वास हमें भक्ति योग से मिलता है। इसलिए हमारे ऋषियों ने कहा है, अमृत स्वरूपाच, अर्थात वह भक्ति अमृत स्वरूपा है। आज इसी आत्मविश्वास के साथ करोड़ों देशवासी राष्ट्रभक्ति की ऊर्जा लेकर अमृत काल के में प्रवेश कर चुके हैं। इस अमृत काल में हमने अपने भारत को विकसित बनाने का संकल्प लिया है। हम राष्ट्र को देव मानकर, देव से देश का विजन लेकर
आगे बढ़ रहे हैं। हमने अपनी ताकत, अपनी विविधता को बनाया है। देश के कोने कोने के सामर्थ्य है, यही हमारी ऊर्जा, हमारी ताकत, हमारी चेतना है। साथियों, यहां इतनी बड़ी संख्या में आप सब लोग एकत्र हैं, कोई किसी राज्य से है, कोई किसी इलाके से है, भाषा, बोली, रहन सहन भी अलग अलग है, लेकिन एक साझा चिंतन सबको कितनी सहजता से जोड़ता है। भगवान श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं, अहम आत्मा गुड़ा के सर्वभूताशय स्थित, अर्थात सभी प्राणियों के भीतर उनकी आत्मा के रूप में एक ही ईश्वर रहते हैं। यही विश्वास भारत के अंतर मन में नर से नारायण और जीव से शिव की अवधारणा के रूप में रचा बसा है। इसलिए अनेकता में एकता का भारत का मंत्र इतना सहज है, इतना व्यापक है कि उसमें विभाजन की गुंजाइश ही नहीं है। हम एक बार हरे कृष्ण बोलते हैं और एक दूसरे के दिलों से जुड़ जाते हैं। इसलिए दुनिया के लिए राष्ट्र एक राजनीतिक अवधारणा हो सकती है, लेकिन भारत के लिए तो एक भारत श्रेष्ठ भारत ये आध्यात्मिक आस्था है। हमारे सामने खुद श्रील भक्ति सिद्धांत गोस्वामी का जीवन भी एक उदाहरण है। प्रभुपाद जी पुरी में जन्मे, उन्होंने दक्षिण के रामानुजाचार्य जी की परंपरा में दीक्षा ली और चैतन्य महाप्रभु की परंपरा को आगे बढ़ाया और अपने आध्यात्मिक यात्रा का केंद्र बनाया बंगाल में स्थापित अपने मठ को। बंगाल की धरती में बात ही कुछ ऐसी है कि वहां से आध्यात्म और बौद्धिकता निरंतर ऊर्जा पाती है। ये बंगाल की ही धरती है जिसने हमें रामकृष्ण परमहंस जैसे संत दिए, स्वामी विवेकानंद जैसे राष्ट्र ऋषि दिए। इस धरती ने श्री अरविंद और श्री गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जैसे महापुरुष भी दिए, जिन्होंने संत भाव से राष्ट्रीय आंदोलन को आगे बढ़ाया। यही से राजा राम मोहन राय जैसे समाज सुधारक भी मिले। बंगाल चैतन्य महाप्रभु और प्रभुपाद जैसे उनके अनुयायियों की तो कर्मभूमि रही है। उनके प्रभाव से आज प्रेम और भक्ति के एक वैश्विक मूवमेंट बन गए हैं। साथियों, आज भारत की गति प्रगति की हर तरफ चर्चा हो रही है। आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर में, हाईटेक सेवाओं में भारत विकसित देशों की बराबरी कर रहा है। कितनी ही फील्ड्स में हम बड़े बड़े देशों से आगे भी निकल रहे हैं। हमें लीडरशिप के रोल में देखा जा रहा है, लेकिन साथ ही आज भारत का योग भी पूरी दुनिया में घर घर पहुंच रहा है। हमारे आयुर्वेद और नेचुरोपैथी की तरफ विश्व का विश्वास और बढ़ता चला जा रहा है। तमाम देशों के प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर आते हैं, डेलीगेट्स आते हैं, तो वो हमारे प्राचीन मंदिरों को देखने जाते हैं। इतनी जल्दी ये बदलाव आया कैसे? ये बदलाव आया है युवा ऊर्जा से। आज भारत का युवा बोध और शोध दोनों को साथ में लेकर के चलता है। हमारी नई पीढ़ी अब अपनी संस्कृति को पूरे गर्व से अपने माथे पर धारण करती है। आज का युवा स्पिरिचुअलिटी और स्टार्टअप्स दोनों की अहमियत समझता है, दोनों की काबिलियत रखता है। इसलिए हम देख रहे हैं
आज काशी हो या अयोध्या, तीर्थ स्थलों में जाने वालों में बहुत बड़ी संख्या हमारे युवाओं की होती है। भाइयों और बहनों, जब देश की नई पीढ़ी इतनी जागरूक हो तो ये स्वाभाविक है कि देश चंद्रयान भी बनाएगा और चंद्रशेखर महादेव का धाम भी सजाएगा। जब नेतृत्व युवा करेगा तो देश चंद्रमा पर रोवर भी उतारेगा और उस स्थान को शिव शक्ति नाम देकर अपनी परंपरा को पोषित भी करेगा। अब देश में वंदे भारत ट्रेन भी दौड़ेगी और वृंदावन मथुरा अयोध्या का कायाकल्प भी होगा। मुझे बताते हुए भी खुशी हो रही है कि हमने नमामि गंगे योजना के तहत बंगाल के मायापुर में सुंदर गंगा घाट का निर्माण भी शुरू किया है। साथियों, विकास और विरासत की ये हमारा कदम ताल 25 वर्षों के अमृतकाल में ऐसे ही अनवरत चलने वाला है, संतों के आशीर्वाद से चलने वाला है। संतों के आशीर्वाद से हम विकसित भारत का निर्माण करेंगे और हमारा अध्यात्म पूरी मानवता के कल्याण का मार्ग प्रशस्त करेगा। इसी कामना के साथ आप सभी को हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद। श्री प्रभुपाद की जय। हमारे यशस्वी तपस्वी माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के हृदय स्पर्शी संबोधन के साथ ही आज की सभा यहाँ पर विश्राम लेती है। मैं आप सभी से प्रार्थना करना चाहूँगा कि जब हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी इस सभागार से प्रस्थान करेंगे संकीर्तन, तो आप खड़े होकर संकीर्तन उनका संबोधन करेंगे और कोई भी अपनी जगह से आगे नहीं जाएगा, संकीर्तन चलता रहेगा। अपने अपने स्थान पर सभी लोग खड़े रहेंगे और उनका विदाई का जो दिव्य सभी मोदी जी की प्रसन्नता के लिए बोलिए हरे कृष्ण, हरे कृष्णा, पूरी जोर से बोलिए हरे कृष्ण, हरे कृष्णा। एक बार कोई आगे नहीं हरे कृष्ण, कोई आगे नहीं आए कृष्णा, कोई आगे नहीं आए, सबसे निवेदन वहीं रहे। नचे नंद दुलार ब्रज गोपाल, गेट गेट की तरफ कोई न जाए, गोपी किशोर। सीधा प्रसारण आप भारत मंडपम से देख रहे थे, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्रील प्रभुपाद जी की 150वीं जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए और प्रधानमंत्री ने वहां पर एक सिक्का और स्मारक डाक टिकट भी जारी किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि बेहद अनुपम ये समय है, ये